हेलो फ्रेंड्स, अब आगे एक्सरसाइज 2.5 है जिसके अंदर सॉल्व द फॉलोइंग लीनियर इक्वेशन, इक्वेशन का सॉल्यूशन निकालना है। बराबर है, आगे भी हमने ऐसी मेथड लिखी थी लेकिन इधर थोड़े एग्जांपल बड़े हैं, लेकिन जो अपने रूल्स है वही रूल्स को यूज करना है। अगर एडिशन में है तो सामने जाएगा तो सब्ट्रैक्शन, सब्ट्रैक्शन है तो एडिशन, अगर मल्टीप्लिकेशन है तो सामने जाएगा तो डिवीजन, अगर डिवीजन है तो मल्टीप्लिकेशन। ये रूल्स को पहले आपको याद रखने हैं बराबर सिंप्लीफाई करने के लिए। तो इसको हम स्टार्ट करते हैं। तो एक्स बाय टू, मैंने बोला था कि सब वेरिएबल है वो एक साइड ला दो और जो नंबर वाले टर्म है उसको दूसरी साइड ले जाते हैं। तो एक्स बाय टू माइनस एक्स बाय थ्री, क्योंकि प्लस का तो उस साइड माइनस का है और ये 1/4 तो वैसे का वैसे ये उस साइड जाएगा तो प्लस 1/5। अब देखो इधर एलसीएम आएगा 2 और 3 का, तो इससे 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो एक्स बाय टू मल्टीप्लाई 3/3, जबकि एक्स बाय थ्री है तो नीचे 6 लाने के लिए एलसीएम 6 होगा, तो 6 लाने के लिए नीचे 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ऊपर भी 2 रखेंगे, इज इक्वल टू 1/4। इधर भी 5 4 20, तो 20 एलसीएम आएगा। इधर 5 से मल्टीप्लाई, इधर 4 से मल्टीप्लाई, यानी नीचे आपको 20 लाना है तो 5 4 20, तो ऊपर भी 5, 1/5 है तो नीचे 20 लाना है तो 5 को कितने से मल्टीप्लाई करेंगे, 4 से, तो 5 4 20, तो ऊपर भी 4 आएगा। इस तरह से मैंने पूरा आपको बताया है बराबर। तो 3 × x 3x/6, इधर 2x/6। अब देखो नीचे डिनोमिनेटर सेम हो गया जबकि अलग अलग था, इधर 5 × 5 नीचे 20, 4 × 4 नीचे 20, तो इधर भी डिनोमिनेटर सेम हो गया। अब क्या होगा, तो 3x-2x, डिनोमिनेटर सेम है तो न्यूमरेटर का डायरेक्टली एडिशन या सब्ट्रैक्शन कर सकते हैं। तो 6 इधर 5 + 4 / 20, तो x/6 इज इक्वल टू 9/20, 5 4 9। अब देखो क्रॉस में ये 6 डिवाइड में तो ऊपर जाएगा, तो 9 × 6 / 10 × 20 लिख सकता हूँ, 10 × 2 से ये जाएगा 3 बचेगा, तो यानी x इक्वल 9 × 3 = 27/10 आंसर आएगा आपका। बराबर, तो ये आपका सिंप्लीफाई करके आंसर आ गया। अब ऐसे ही दूसरा देखते हैं, तो इसके अंदर तो देखो पूरा टर्म एक ही साइड पे है, 2 4 और 6 का एलसीएम कितना होगा देखते हैं। 2 4 एलसीएम 2 4 6 कितना होगा, 12 होगा एलसीएम। एलसीएम आप इस तरह से भी निकाल सकते हो, ये भी एक बार बता देता हूं, 2 4 और 6 डिवीजन बाय न्यूमरेटर, तो इधर क्या आएगा 2 से 1 4 × 2 = 2 और 3 × 6 आएगा। और फिर से 2 से फैक्टर्स होगा तो 2 से 1 1 और 3 रहेगा, तो 3 से 1 1 और 3 का 1 हो जाएगा, तो 3 × 6 6 × 12 एलसीएम आए। तो n/2 नीचे 12 लाना है तो कितने से मल्टीप्लाई, 6 से करेंगे तो ऊपर भी 6 डाल दिया, 3n/4 कितने से मल्टीप्लाई करेंगे, 4 3 × 12 तो ऊपर भी 12, 5n/6 कितने से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 से तो ऊपर भी 2 आ गए। बराबर है कि नहीं, और इज इक्वल टू 21, तो 6n/12, 3 × 3 = 9n/12, 5 × 10n/12 इज इक्वल टू 21। अब सबके डिनोमिनेटर सेम है तो ऊपर का एडिशन या सब्ट्रैक्शन जो होता है 21। अब देखो क्या करेंगे हम, 10 और 16, 6 सॉरी, उनका एडिशन होगा
निकला तो 16 आएगा, दोनों की प्लस साइन है तो 60 माइनस 9 बाय 12 इक्वल टू 21। अब देखो 12 डिवाइड में तो सामने जाएगा तो मल्टीप्लिकेशन, 16 में से 9 जाएगा तो 7n बचेगा और 21 और 12 वहां ये 12 डिवाइड में था तो मल्टीप्लिकेशन में तो n इज इक्वल टू 7 × 21 × 12। अब देखो 7 मल्टीप्लिकेशन में सामने गया तो डिवाइड में तो 7 7 कट गया तो n इज इक्वल टू क्या आएगा 3 × 12 = 36। तो ये आ गई वैल्यू। तो आपको पहले एक तो वो एडिशन है तो सामने जाएगा सबट्रैक्शन मल्टीप्लिकेशन सामने डिवीजन वो रूल्स, पर दूसरा नीचे डिनोमिनेटर सेम करने के लिए ये एलसीएम कैसे लेंगे और किस तरह से ये दो स्टेप आते हैं वो अच्छी तरह से आने चाहिए। ये स्टैंडर्ड 5 से आता है सब बराबर। अब तीसरा एग्जांपल है तो पहले मैंने बोला था कि वेरिएबल है एक्स वाले टर्म को एक साइड ला देते हैं तो एक्स माइनस 8x/3 और ये माइनस था जो इक्वल टू के उस साइड है इस साइड आएगा तो प्लस 5x/3 इज इक्वल टू 17/6 था और ये 7 वाला उस साइड गया तो माइनस 7 बराबर है कि नहीं। तो एक्स वाले इस साइड अभी 3 और 2 का एलसीएम कितना होगा 6 होगा तो वही करेंगे 6 है तो एक्स के नीचे 1 बोल सकता हूं मैं तो कितने से मल्टीप्लाई 6 से 6 × 1 = 6 होगा 8x/3 है तो नीचे 6 लाने के लिए तो उसे मल्टीप्लाई करें 3 × 6 तो ऊपर भी 2 लिखेंगे और 5x/2 है तो नीचे 3 × 6 तो ऊपर भी 6 इधर भी 6 एलसीएम लेंगे तो 17/6 है तो 7 के नीचे 1 है तो ऊपर नीचे 6 से मल्टीप्लाई हो तो ये 6x 8 × 2 = 16x प्लस 15x/6 इज इक्वल टू 17/x 42/6। तो अब देखो इनका सबके साथ है वो तो 6x 16x 15x डिवाइड बाय 6 इज इक्वल टू 17 − 42 / 6 तो इधर 16 में से 6 आएगा तो −10x + 15x इधर भी डिवाइड कर देते तो 2 में से 7 जाएगा यानी 12 में से 7 तो 5 3 में से 1 तो 2 वो भी माइनस और ये नीचे वाला 6 है तो ये क्रॉस में ऊपर जाएगा तो ऊपर 6 रहेगा नीचे वाला ये 6 तो है तो इधर 6 कट जाएगा इधर 10x में से 15 जाएगा तो कितना आएगा 5x इज इक्वल टू −25 आएगा बराबर है। तो x इज इक्वल टू क्या है −25/5 मल्टीप्लिकेशन में तो सामने का डिवाइड में तो x इज इक्वल टू −5 ये आंसर आ गया x इज इक्वल टू −5 बराबर है। अब क्वेश्चन नंबर 4 है तो इसके अंदर देखो पहले क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लेते हैं ये पूरा इधर जाएगा ये पूरा इधर जाएगा यानी x माइनस 5 है उसके साथ ये 5 ऊपर जाएगा तो ये 5 क्योंकि डिवाइड में है तो सामने जाएगा मल्टीप्लिकेशन में और x माइनस 3 है तो ये 3 ऊपर जाएगा तो इधर आ जाएगा 3 बराबर। अब कॉम्स को छोटे हैं 5 × x तो 5x 3 × x 3x 3 3 = −9 क्योंकि −9 है और 5x 3x इस साइड आ देते तो माइनस होगा -9 तो 25 उस साइड आए तो +25 तो 3x में तो 2x आएगा इधर कितना आएगा तो 16 आएगा तो
तो x इज इक्वल टू 16 बाय 2 मल्टीप्लिकेशन में जो डिवाइड में गया तो x इज इक्वल टू 8, तो ये हो गया आपका आंसर। यानी सिंप्लीफाई वो बहुत मेथड है, उससे कर सकते आप 3 इसके नीचे 5 इसके 5 के नीचे 3 लेके ऐसे दूसरी मेथड भी कर सकते जो आपको अच्छी लगे, बराबर है। लेकिन एग्जैक्ट आंसर आ जाना चाहिए, लेकिन मैं आपको ऐसी इजी मेथड बताता हूँ जिससे आपका सिंप्लीफिकेशन सही हो।